राफेल डील को लेकर भारत से लेकर फ्रांस तक हंगामा मचा हुआ है और राफेल डील पर रोज कुछ न कुछ खुलकर सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर बात में मोदी सरकार को घेरने के लिए राफेल सौदे के बारे में बोल रहे हैं, और यही नहीं, राफेल डील सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट के सीईओ ट्रैपियर ने एक इंटरव्यू में सौदे का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोप तथ्य परख नहीं है और दसॉल्ट पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ट्रैपियर यही नहीं रुके और अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के हालिया दिए बयान को झूठा करार दिया और कहा कि दसॉल्ट रिलायंस वेंचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने झूठ का सहारा लिया। ट्रैपियर ने आगे कहा कि मैंने पहले जो भी कहा और अब जो कह रहा हूं वही सच है। हम आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार और दसॉल्ट कंपनी पर काफी आक्रामक हैं। दसॉल्ट के सीईओ यही नहीं रुके और आगे कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के साथ समझौता क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल खुद ही जिम्मेदार है क्योंकि एचएएल इस सौदे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमें अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ समझौता करना पड़ा। दसॉल्ट के सीईओ के बयान के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है और उधर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नए तथ्य निकल कर सामने आने वाले हैं। तब जाकर पता चलेगा कि इस डील में दलाली हुई भी है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि राफेल डील लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने का एक अचूक हथियार बना रहेगा।